एशिया का फल झारखंड मुंडरी लोक कथा। एक गांव में सात भाई रहते थे। छह भाई खेती बाड़ी का काम करते थे। सबसे बड़ा भाई बुद्धिमान तथा पढ़ा लिखा था। वह राज दरबार में नौकरी करता था। वह सवेरे सवेरे गरम गरम दाल भात खाकर नौकरी पर चला जाता था। सबसे छोटे भाई को बड़े भाई से ईर्ष्या हो गई। उसने अन्य भाइयों से कहा, बड़े भाई को दरबार में परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर भी उन्हें सबसे पहले ताजा खाना मिल जाता है। हम लोग खेतों में अधिक परिश्रम करते हैं और हमें ठंडा भोजन मिलता है, यह बर्दाश्त से बाहर की बात है। सभी भाइयों ने उसे समझाया, बड़े भाई का काम बड़ी बुद्धिमानी का है। छोटे भाई ने कहा, मुझे मालूम है कि उसका काम बड़ा नहीं, बड़े आराम का है। यह काम मैं भी कर सकता हूँ। कल मैं ही उसकी जगह पर काम करने जाऊंगा। पांचों भाइयों ने उसे समझाया कि देखा देखी करना ठीक नहीं है, लेकिन छोटे भाई ने नहीं माना। बड़े भाई को जब यह बात मालूम हुई तो उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं कल नहीं जाऊंगा, दरबार में वही जाएगा। दूसरे दिन सवेरे ही वह गर्मा गर्म भोजन करके दरबार में पहुंचा और अपने भाई की कुर्सी पर अक्कड़ कर बैठ गया। इस नए आदमी को दरबार में देखकर राजा ने पूछा, वह कौन है, पुराना कर्मचारी कहाँ है? छोटे भाई ने कहा, आज भाई की जगह मैं यहाँ विचार देने आया हूँ। राजा ने उससे एक प्रश्न किया, बंदूक की एक ही गोली हिरण के पांव और कान में कैसे लग सकती है? छोटा भाई काफी देर तक नीचे ऊपर देखता रहा, उसे कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा ने आदेश दिया कि इस कुंद बुद्धि वाले आदमी को दिन भर एक पांव पर खड़ा रखा जाए। वह सारा दिन एक ही पांव पर खड़ा रहा। छुट्टी होने पर घर आया तो वह बहुत उदास था। लज्जाते लज्जाते उसने भाइयों से सारी बात बता दी और कहा कि सचमुच दरबार का काम बहुत भारी होता है, भला बताइए एक गोली से पैर और कान दोनों जगह कैसे हिरण को चोट लग सकती है? इसका उत्तर नहीं देने पर राजा ने मुझे सजा दे दी। बड़े भाइयों ने हंसकर कहा, केवल खाना खाने के लोभ से ही तुम्हें दंड भोगना पड़ा, कोई बड़ा सवाल तो था नहीं। जिस समय हिरण पैर से कान खुजलाता हो उस समय गोली मारने से पैर और कान दोनों जगह चोट आएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया।